ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लेना। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियाँ न दिखे, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता है, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता है, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता है, जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता है, और जो गुरु के पैरों को छूता है तो उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं है। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो चाल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ करने से बेहतर कोई सजा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। कभी भी किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो भी क्या हंसे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। आप अपनी जिंदगी में झांके। जीवन में यदि कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है और लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है, पर किसी को ये मौका न दे कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया एक बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का रखे। अपने दुश्मन को हजार मौके दे कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर है जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। बेशक हंसना अच्छी बात है, पर दूसरों पर नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ भरोसा मारता है। गुनाह करके छुपोगे कहा, ये जमी और आसमां सब उसी का है। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जहां प्यार होता है वहां नाराजगी होती है, नफरत नहीं। सुना है जो देर से मिलता है वो बहुत ही दूर तक चलता है। अच्छा नहीं होता बहुत ज्यादा अच्छा होना भी। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है पर डूबती नहीं। आप खुश है ये बहुत ही अच्छी बात है,
पर आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। घर पहुंचकर फोन कर देना, ये कहने वालों को कभी न खोना। हैरान करके लोग मुझे खुश होते हैं और मैं खुश होकर लोगों को हैरान करता हूँ। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आँखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हो और दिल नाजुक हो। कदम कदम पे नए इम्तिहान रखती है जिंदगी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। ज़्यादा मीठे और चापलूसों से सावधान रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे से मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा लीजिए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें अपने छोड़ते हैं वो गैरों के हाथ लगते हैं। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई न हो। केवल अच्छा दिखो नहीं बल्कि अच्छा बनो भी। किसी के पीठ के पीछे बस एक ही काम करना और वो है उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने से बेहतर है खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक ही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए कल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। रोने को टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिसको मैं की हवा लगी, उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। किसी को मनाने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो तुमसे नाराज है या तुमसे परेशान है। नहीं आता मांगना तो खाली हाथ फैला दो, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। माना कि वक्त सता रहा है, पर कैसे जीना है वो भी तो बता रहा है। कमियां ढूंढोगे तो मिल ही जाएगी, रब के बंदे हैं, रब तो नहीं। जिन्हें निभाना होता है वो न तो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, न ही छोटी छोटी बात पर जताते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, वह अपनी जगह सही है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। हमें तो सिर्फ ठेला दिखता है सड़क पर, हकीकत में तो वो अपना पूरा घर खींचता है। अपना हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, पर हर दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। अनमोल है वो लोग जो आपकी आवाज़ से आपका हाल बता देते हैं। इतना बेहतरीन न खोजो कि बेहतरीन को खो दो। सुख के साथी और होते हैं, दुख के साथी और होते हैं, और सुख दुख के साथी और ही होते हैं। बात तो किरदार की है, वरना कद में तो साया भी बड़ा होता है।